एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने कल रात को ही डॉक्टर की एक खबर को दिखाया था, डॉक्टर की एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें डॉक्टर सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल में भी काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वो खुद ही सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को निजी अस्पताल में उपचार कराने की सलाह देता था, बल्कि खुद ही निजी अस्पताल के डॉक्टरों से पूरे इलाज का खर्चा यानी पैकेज की डील भी किया करता था। जिसके बाद इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद कुंभकर्णी नींद सो रहे आला अधिकारियों की नींद टूटी और डॉक्टर पर कार्यवाही की बात कही। आप खुद ही सुनिए हमारी खबर चलने के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डायरेक्टर ने क्या कहा। और खुद जो है वहां पर ऑपरेट भी करते हैं, तो अपने आप इस तरह का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, तो डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ये गंभीर मामला सामने आया है, तो इस पर क्या कुछ आप कार्रवाई करते हैं? जी देखिए, आपने मुझे बताया है अभी, और कोई जिसमें अगर सच्चाई है कोई उसकी इंक्वायरी करेंगे और जो एक्शन होगा जो तुरंत प्रभाव से एक्शन। सर, डॉक्टर मनु है उनका नाम आया है, और भी कुछ डॉक्टर्स हैं, क्या जाँच करवाएंगे आप? बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि ड्यूटी टाइम में ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या करने जाते हैं। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा ध्यान में सच्चाई है उसमें, और मैं मानता हूँ कि जो भी अगर बात सामने आई है तो जरूर उसकी तहकीकात होगी, अगर वो दोषी पाया गया तो। क्योंकि शहर के दो तीन ऐसे बड़े अस्पताल हैं जिनसे उनका टाई अप चल रहा है, अगर आप इस मामले में पता लगाएं तो एमरजेंसी में भी दो तीन डॉक्टर्स कार्यरत हैं जिनकी वाइफ्स वहाँ लगी हुई हैं, उस कारण वो। इसमें मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि जो जो भी जिसके साथ ये हुआ है, एक दफ़े मुझे कंप्लेंट रिटर्न रूप में कर दें या वर्बली आके भी कह दें तो मैं इनिशिएट कर दूं। सर, अगर मीडिया के माध्यम से आपको वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जाए, आप तब भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अपने बिहाफ पे भी आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर कोई ऐसी उसमें बात है जरूर। तो सर, ऐसा कोई हो तो नहीं सकता कि अगर गवर्नमेंट सैलरी को डॉक्टर ले रहा है और वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेट कर रहा है? प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड इज प्रोहिबिटेड एंड दैट इज अगेंस्ट लॉ। 24 आवर सर्विस तो गवर्नमेंट की है ना जी, डॉक्टर की, जो अगर गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है तो 24 आवर वो गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉई है। नहीं, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई पर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई तो रहेगा ऑब्वियसली, पर प्राइवेट प्रैक्टिस क्योंकि वो हम गवर्नमेंट। सर, ऐसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के PROs भी जो हैं यहाँ हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, वही डॉक्टर्स को लालच देते हैं, उनकी भी अगर पहचान चिन्हित की जाए, अगर आपको टीम बनाए तो वो भी नहीं आएंगे? हमने हर जगह लिखा भी हुआ है, आपने देखो नोटिस भी देखा, कि अगर कोई डाउट है, कोई आपसे पैसे मांगता है तो तुरंत हमें नंबर तक लिखे हैं MS के। लेकिन हम अनफॉर्चुनेट, मैं कहूँगा जनता के लिए भी, कि हम अप्रोच तो करें, अगर कोई अप्रोच करने के बाद एक्शन नहीं होता तो आप कहोगे कि तब तो आप कहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन काम एक्टिव नहीं है। सर, मेरे साथ कोई एक्शन तभी हो पाएगा। अब जितने भी पीछे यहाँ जो भी इनडिसिप्लिन के इश्यूज आए हैं या जो भी ऐसी अव्यवस्था के इशू आए हैं और हमारे ध्यान में लाए गए हैं, उन पर हमने तुरंत एक्शन लिया। सर, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, मीडिया हम भी पहले लगातार कई बार मामला दिखा चुके हैं कि कमीशन के चलते मरीजों का रेफर किया जाता है, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर के खिलाफ आपने कोई चार्जशीट नहीं की इस तरह का? बिल्कुल चार्जशीट हुई है, हमारे एमरजेंसी के दो डॉक्टर्स इस वक्त चार्जशीट उनको जारी हुई है। तो चाहेंगे आप पब्लिक को अगर कोई इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करता है वो तुरंत शिकायत दें आपको? बिल्कुल शिकायत कम से कम प्रूव होनी चाहिए ना। देखिए, मुझे तो फैसला करना है, अगर आपको लगता है कि उसमें सच्चाई, मुझे लगता है उसमें सच्चाई है तो उसमें एक्शन लें, क्यों हम कम से, हमने किसको छुपाना नहीं है जी। My way of work is not like that, कि मैं किसको फेवर करूँगा या डिसफेवर करूँगा, जो सच्चाई है उसको सामने लाना। ठीक, तो ये आप सुन रहे थे। बहरहाल, डायरेक्टर साहब ने हमारे संवाददाता को मामले में कार्यवाही की बात कही है, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कार्यवाही इसमें डायरेक्टर की ओर से अमल में लाई जाती है, या फिर डायरेक्टर अपने ही विभाग की साख बचाने के लिए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। करनाल से उमेश परोचा की रिपोर्ट।